तनीर ने उस टाइम फिल्मी सीन किया, उसने ड्रिप उतारी, कहती उतारो इसको, तो ना बाय चांस इसका ना वो वहां से खून निकला तो हमने इसकी ड्रिप उतार दी थी। तो है मेरे बाग बीच, मेरे तो है बाग बीच में रह गई अम्मी ने भी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हमारी YouTube फैमिली, मैं हूँ सदा वर्कर, मैं आपको मेरे चैनल पर उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो, मेरा लिहाज से ना पेट में दर्द हो रही है, कभी मेरे मैदे में दर्द हो रही है, कभी मेरे पेट में दर्द हो रही है, और मैं कन्फ्यूज हूँ कि एटलीस्ट दर्द हो कहाँ पे रही है। वाह क्या सीन है। तो रात तो है जैसे करके मैंने गुजारी, मैंने रात को फिर मैंने फ्राइजल की टैबलेट ली, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तनेर भी मांगती थी तो मैं उसको खुद जाकर मेडिसिन देती हूँ कि तुम खा लो, इतनी बदतमीज़ है मुझे कहती है आप भी खुद जाके खा लो, एक तो मेरे पेट में इतनी दर्द, ऊपर से मुझे कहती है जाके खुद खा लो। है मैंने फ्राइजल ली, जैसे तैसे करके मेरी रात गुजरी, लेकिन बहुत शदीद किस्म की दर्द हो रही थी। 10 से 15 मिनट मैं वॉशरूम में ही लगाती रही हूँ। तो उसके बाद सुबह भी मैं उठी हूँ तो मैं वॉशरूम में बैठी हुई थी, मुझे पूछ रही है कि डर है, तो मैं आवाज़ें दे रही हूँ मैं वॉशरूम में हूँ, मैं वॉशरूम में हूँ। जब पता भी है मेरा पेट खराब है, ऑब्वियसली मैं वॉशरूम में होंगी ना, अभी वो तो, मुझे क्या पता हो। तो अभी भी मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना इंजेक्शन लगाया है उसने मुझे। फिर उसके बाद मैं अपनी सिस्टर की तरफ चली गई, वहाँ से मैंने थोड़े से नान चने खाए और मुझे पता था कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से नान चने चख लिए थे, मुंह के चस्के नहीं ख़त्म होते मेरे। फिर उसके बाद मैं घर आई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इंजेक्शन से भी। फिर ये मेरे भाई ने मुझे सिरप ला के दिया है डोफालेक, तो वो कह रहा है कि इसको पियो, लेकिन खुदा का वास्ता है ये तुम्हारा जो मुँह चढ़ता रहता है ना, इस मुँह को थोड़ी सी लगाऊंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं खाओ, कुछ कोई हार्ड चीज़ ना खाओ। और अम्मी मुझे कह रही है कि मूंगी दाल की खिचड़ी खा लो, मैं तो किन्ने खानी है, मैं तो नहीं खानी। तो अभी मैं ये पीने लगी हूँ डोफालेक, कहते हैं काफ़ी अच्छा सीरप है। अब मैं देखती हूँ कि ये मुझे सूट किया, मुझे रास आया कि नहीं, और ये मैं पीने लगी हूँ। लेकिन देख लें कि मैं हर चीज़ को इन्जॉय कर रही हूँ, मैं अपने पेट दर्द को भी इन्जॉय कर रही हूँ, मैं किसी भी, अल्लाह माफ़ करे ये कोई बड़ा बोल नहीं है, लेकिन कुछ भी मुझे फीवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने कभी भी इसको अपने ऊपर इसको हावी नहीं किया, मैं चिल होके ना मतलब के गुजारती हूँ उसको भी, है ना अम्मा। और ये सब कहते हैं कि हम तीनों बहनों में ये आदत है कि हमने कभी भी बीमारी को अपने ऊपर ना हवा नहीं किया, मतलब मेरी अम्मी की भी यही आदत है कि वो अपने ऊपर ना हवा नहीं करती बीमारी, और मेरा भाई है उसको हल्की सी छींक भी आ जाए ना, ले गूगल सर्च, मुझे छींक आई है तो आई क्यों है, वो गूगल पूरी सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो ऊपर भाभी का भी यही हाल है, अभी हल्का सा सर यूं है ना, भाई आमिर मेरा सर क्यों यूं हो गया, यूं क्यों हो गया। ये दोनों मियाँ बीवी ना मतलब के ऐसी लगी हुई हैं, आप कभी मैं आपको इनका ऊपर विजिट करवाऊँ ना, आपको हर तरह की मेडिसिन मिलेगी। हम कहते हैं कि फ्रूट्स खाओ, वो हमें कहते हैं कि ये इंजेक्शन पियो। तो ये है कि अभी फिर से मेरे पेट में अचानक से गुरमुर हो रही है, तो मैं जा रही हूँ वॉशरूम, फिर मैं वापस आती हूँ। वॉशरूम से तो मैं आ गई हूँ, अब पीने लगी हूँ मैं ये सिरप, देखते हैं कि मुझे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो अब मैं पीती हूँ सिरप, एक सेकंड मैं खोल, ये सिरप है, टेस्ट अच्छा है ना, मज़े का, मज़े का। डेट मतलब एक पीते हैं, चलो मैं आधा फिर पीने जा रही हूँ। मुझे ना गंदे गंदे खटे खटे डकार आ रहे हैं। What? और लेमू पानी भी मैंने नहीं पिया क्योंकि मुझे मिला ही नहीं यहाँ से, कि मैंने बोतल में थोड़ा सा नमक डाल के पिया। ओवरऑल मैं सारी ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ नहीं रहा,
कुछ भी नहीं रहा मेरे, सारा मेरा पेट क्लीन हुआ हुआ है। तो इस वीकनेस को ख़त्म करने के लिए मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ ताकि मेरे अंदर कुछ जाए। हाँ तुमने क्या कहा है, बोलो पेट को बोलो, भी हिम्मत रखो बोलने की। पता नहीं से कुछ कहा है उसे, मुंह में कुछ बुरबुर किया है, मुझे ना इसकी समझ नहीं आई। तो मुझे लगता है मुझे ना जर्म्स लग गए हैं तनीर के, क्योंकि दो तीन दिन पहले इसका भी पेट खराब हुआ था। खैर ये तो देख सकते हैं ब्राइटनेस कम हो रही है। खैर ये तो घर में इसने अच्छी खासी 3 से 4 इसने वॉमिटिंग की। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, अच्छी खासी ठीक ठाक। फिर इसको हम लेके समलाबाद हॉस्पिटल गए, वहाँ इसको इंजेक्शन लगा, ड्रिप लगी थी, इंजेक्शन इसको लगा था। फिर ये घर आई माशाल्लाह, फिर इसने रात को सेब खाया काला नमक डाल के। और इससे 2 दिन पहले इससे क्या हुआ था, जो तुम्हें गंगानगर लगा गई थी, हाँ इसको ना इसका हाथ सार रहा था, इसको घबराहट हो रही थी। तो इसको वहाँ लेकर गए, वहाँ ये लाइन पर लगी, फिर अंदर गई, इसको ड्रिप इसने अब पहले इसको 2 इंजेक्शन लगे, फिर उसके बाद इसको इतनी बड़ी ड्रिप लगी कि इसका इतना साइज नहीं था जितनी उन्होंने इसके साइज की ड्रिप लगा दी थी। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। फिर इसने इतनी सी ड्रिप लगाई, मैं पास ही थी और कहती कि आप ही मुझे घबरा पा रहे हैं। बंदा पूछो तनु घबरा पा रहा, सर ऐसे बस सिर लेके थी रहे यहाँ। एक सेकंड मेरी अम्मी की स्टोरी सुने, एक सेकंड, ए वेट ये रुको मैं रुको रुको ना लाइ तो चला मार क्या थे घबरा पा रहे ड्रिप पोछ ले बात है। मेरे यूट्यूब चैनल को थोड़ा ऊंचा करके बताओ, मुझे बड़े शदीद चक्कर आने लगे थे। उसके बाद ना उसने मुझे ना जो ड्रिप लगाई है ना, तो चक्कर मुझे ज्यादा आने लगे। तो इतफाक से ये ना ड्रिप हाथ में पकड़ के तनीर ने उस टाइम फिल्मी सीन किया, उसने ड्रिप उतारी कहती उतारो इसको, तो ना बाई चांस इसका ना वहाँ से खून निकला, तो हमने इसकी ड्रिप उतार दी थी। तो है मेरी तो बात बीच मेरी तो है बात बीच में रह गई, अम्मी ने अपनी स्टोरी सुना दी, तनीर ने अपनी स्टोरी सुना दी, मेरी बात बीच में रह गई। मेरा क्या है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि मेरा पेट खराब हुआ हुआ है। चिकन कढ़ाई मैंने चिकन थोवाई हूँ, देख लें कि बीमार भी मैं, चिकन भी मैं लेके आई, धोया भी मैंने। भाई मैं तो चिकन लवर हूँ, मुझे तो चिकन की बोटी बहुत पसंद है और सारे खाते हैं, तनीर भी खाती है। कल रात को हमने दाल बनाई थी, दाल गोश्त, पहली पेट खराब तो दाल, एक आलू दाल, आलू दाल, आलू दाल, यानी आलू दाल ना हो गई गैस का कार हो गया। मैं चिकन धो के आई हूँ, तो मैं चिकन कढ़ाई बनाऊँ, फिर मेरे पेट के अंदर कुछ जाए, और बस मेरे पेट के अंदर जाए, वॉशरूम में ना जाए, बस मेरे पेट के अंदर जाए। ये सारा सामान मैंने रखा चिकन कढ़ाई का, तो मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको मैंने आज कूटा है, और ये भाभी ने भी बनाई है चिकन कढ़ाई, लेकिन हम सब ने खाना है तो इसलिए तो ये कम पड़ेगी ना, क्योंकि उससे अपना फ़र्ज़ निभा दिया है कि मैंने दे दी है। तो अब मैं बना लगी हूँ चिकन कढ़ाई, मुझे पता है कि मैं किस तरह मतलब बनाने लगी हूँ, हाल भी बड़ी दर्द हो रही थी मैंने। मुझे अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, तो मैंने कहा चिकन कढ़ाई मैं बाद में बना लूँगी, पहले मैं थोड़ी बहुत ना वीडियोस बना लूँ। तो ये जो मेरा ड्रेस है ये है जी मारिया बी का, तो ये पहन के जी आज मैंने वीडियो बनाई है, मैंने इंस्टाग्राम की वीडियो बनाई है, मैंने टिकटॉक की वीडियो बनाई है, और मैंने अपने पेट खराब को इस टाइम साइड पर रखा है, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं, सबके पेट खराब होते हैं, मेरा हो गया तो कौन सी भरी बात है। तो बेबी हल्की हल्की सी ना मुझे पेन हो रही है, तो मैंने कहा पहले मैंने ये वीडियो बना लूँ। तो मैं अभी आपको ना अपना पूरा ड्रेस दिखाती हूँ कि मेरा ड्रेस कैसा है, बहुत ही खूबसूरत क्योंकि चिकनकारी का ड्रेस, आपको पता है कि मौसम अब चेंज हो गया है, तो चिकनकारी का मौसम आ गया है, और इसके साथ बड़ा ही खूबसूरत नटका दुपट्टा है, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बना ली मैं आपकी। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत इसका दुपट्टा है, ये देखिए
और साथ में ये मैंने एक लोटा मैंने खुद बनवाया है। मैं क्यों आपको अपना ये ड्रेस दिखाऊं, मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी इस ड्रेस की कि किस तरह से मैंने ये स्टिच करवाया है। इसके अलावा जो मेरा ब्लैक ड्रेस है चिकनकारी का, उसकी भी मैं बनाऊंगी वीडियो एक अलग से, तो आप देखिएगा। मैं क्यों शामिल करा फिर हराबे बीच अपने ये ड्रेस, मैं नहीं करूँगी। और ये देखिए जो साथ मैंने किया है हल्का सा शिमरी मेकअप, आप देख रहे होंगे, ये देखिए मैं अकबंद कर दिया देखो, हाँ ऐसे वाला। तो अभी ना मुझे बहुत काम है क्योंकि अभी मैंने चिकन कढ़ाई बनानी है, मैंने लींबू पानी पीना है, देन मैंने अपना सिरप पीना है। क्या नाम था सिरप को मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये है कि पेट दर्द को मामूली ना समझे, पेट हर आपको वो तो मैं हूँ जो हंसी मजाक में उड़ा जाती हूँ, लेकिन कोई ऐसी अगर आपको सिचुएशन हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए ना, तो केयर ज़रूर कीजिएगा। तो लेकिन जो मेरा सिरप है ना, मैं सिरप की पिक्चर जो भी है वो मेंशन कर दूँगी। बहुत अच्छा ये सिरप है, अगर आपके बच्चों का या औरों का पेट खराब हो जाए तो ये सिरप ज़रूर पिएगा, बहुत अच्छा सिरप है। लेकिन इसके अलावा लींबू पानी ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि जैसे 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 दिल खट्टे बैठे होते रहते हैं ना, तो इससे ये होता है कि लींबू पानी से ना दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। वैसे दिल में सुकून तो कोई नहीं चाहिए, मैं तुम्हें सच्ची दसा सुकून तो है मेरी लाइफ में भी नहीं, क्या बात है, लेकिन गुजारनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो को देख सकें। और मुझे लगता है कि आज जो मेरे पेट खराब की वीडियो है ना, मुझे लगता है मेरी फ़नी वीडियो होगी, तो ज़रूर देखिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आपसे दोबारा मिलूँगी नई वीडियो के साथ। मेरे टिकटॉक को, मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब को भी फॉलो कीजिएगा। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नई वीडियो के साथ, और मैं पेट खराब में भी कितनी फ्रेश हूँ ना। तो चलिए, जब मैं बहुत ही आ रही थी, दोबारा मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।